खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले एक महीने से पूरे देश में जो है लॉकडाउन चला हुआ है और इस एक महीने के अंदर जो है सारी जो है आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। लेकिन कमाल की बात देखिए दोस्तों, एक महीने में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी 25-26 बार जो है मीडिया के सामने आ चुके हैं और उनमें से 15 बार 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 जो है दान की अपील कर रहे हैं। अब तो उन्होंने कमाल कर दिया दोस्तों, किसानों से 1-1 किलो गेहूं मांगना शुरू किया था और अंत में जो है वो आ टिके हैं विद्यार्थियों पर। 5-5 रुपये उन्होंने 5-5 रुपये विद्यार्थियों से मांग लिए हैं। हरियाणा में कहा नजमा नाश हो लिया भाई, 5-5 रुपये अगर विद्यार्थी भी देंगे तो हरियाणा में 40 लाख विद्यार्थी हैं, सिर्फ 2 करोड़ रुपये होंगे, 2 करोड़ से गुना गुजारा हो जाएगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हरियाणा का जो है 1 नवंबर 1966 में हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था, तब जो है सारा जो है बड़ा जो आर्थिक गतिविधियां थी और जितनी अच्छी जो धरती थी वो पंजाब के हिस्से में आई थी, हरियाणा में तो बड़खाबड़ धरती जो हरियाणा के हिस्से में आई थी। बाद में धीरे धीरे जो है हरियाणा ने तरक्की की, पंजाब ने जो है हमें जो है पूरा पानी भी नहीं दिया था, फिर भी हमने अपने मेहनत कर आस्थों से हमारे किसानों ने मेहनत की, धीरे धीरे गुड़गांव फरीदाबाद को जो है औद्योगिक रूप से जो विकसित किया और हरियाणा जो है 1 नंबर तक पहुंच गया। लेकिन इसके साथ साथ जो है प्रदेश पर जो है बहुत ज़्यादा कर्ज भी बढ़ता रहा। 1966 से लेकर 2004 तक जब भूपेंद्र सिंह 1966 से लेकर 2005 तक जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा पर 27,000 करोड़ रुपये जो कर्ज था। उसके बाद जैसे ही 9.5 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार रही और अक्टूबर 2014 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने श्री मनोहर लाल खट्टर जी, तब जो है हमारे ऊपर जो है 60,000 करोड़ के आसपास जो 60,000 करोड़ का जो है कर्जा था। उसके बाद पिछले 5 साल में 5.5 साल हो गए हैं मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री और आज जो है बढ़कर हमारे ऊपर जो कर्ज होगा 1,98,000 करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ रुपये कर्जा है। हरियाणा की जनसंख्या जिस तरह से लगभग 2.5 लाख, हरियाणा की जनसंख्या लगभग जो है 2.5 करोड़ है, उसके हिसाब से हर व्यक्ति पर जो है आज जो है लगभग 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है कर्ज हरियाणा में आ रहा है। जबकि पिछले 5.5 साल में खट्टर सरकार में जो है 3 गुना से भी ज़्यादा लगभग 1,40,000 करोड़ का जो कर्ज लिया गया है। पिछले 5.5 साल में प्रदेश में कोई भी बहुत बड़ा जो है ना ही बसें खरीदी गई हैं, ना ही जो है यूनिवर्सिटियाँ सेटअप की गई हैं। हालांकि यूनिवर्सिटियाँ चालू जरूर की हैं 2-3, लेकिन अभी तक जो है वो पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाई हैं। ना ही ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, घोषणाएं तो हुई हैं कई यूनिवर्सिटियों की मेडिकल कॉलेजों की, लेकिन शुरू नहीं हुई है। ना ही पिछले 5 साल में कितनी बसें खरीदी गई हैं, कितना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन प्रदेश में जो है 3 गुना से भी ज़्यादा जो है कर्जा चढ़ गया है। फिर भी प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते नहीं सकते थे कि हमने बहुत ज़्यादा विकास करवाया है, प्रदेश के पास बहुत ज़्यादा जो है खजाना लबालब भरा हुआ है। और अब सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर ही 15 बार तो मुख्यमंत्री जी जो है दान की अपील कर चुके हैं और मुख्यमंत्री ने 21वें दिन ही कह दिया था कि हम पर जो है बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, अब जो है प्रदेश सरकार के पास अपने सरकारी एम्प्लाई के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए 6200 करोड़ रुपये अब जो है प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से कर्ज के रूप में लेगी। इसके साथ साथ जो है लगभग 245 करोड़ रुपये जो है आपदा के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को दिए हैं और अभी तक जो है वो बताया जा रहा है कि 90 करोड़ के आसपास जो है चंदा भी इकट्ठा हो गया है। ये मिलाकर लगभग जो है 335-340 करोड़ रुपये हो गए हैं। उसके बाद भी जो है प्रदेश सरकार का मन नहीं भर रहा है और अब जो है प्रदेश सरकार 5-5 रुपये मांगने पर जो है उतारू हो गई है। मैं पूछना चाहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री साहब, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई, ऐसा कौन सा आपने बड़ा काम कर दिया कि 1 महीने में ही आपने जो है पूरा प्रदेश जो है कंगाल हो गया है और आप बच्चों से ही 5-5 रुपये मांगने पर जो उतारू हो गए हैं। मुख्यमंत्री साहब, अगर आप मांगना चाहते हैं तो अपने 90 विधायकों से मांगिए। हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश में एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 5-5 करोड़ रुपये लगते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों की टिकटों के लिए, मैं एक राजनीतिक रूप से जो है रहते विश्लेषक भी रहा हूँ और मैंने 20 साल में जो है
तीन चार अखबारों में काम किया है, दो तीन मीडिया चैनलों में काम किया है, दो तीन हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी काम किया है, तो मुझे हरियाणा की राजनीति के अंदर तक की समझ है। मुझे ही पता है कि कितने कितने रुपये में टिकट बिकती है, 5-5 करोड़ में टिकट बिकती है बड़ी बड़ी पार्टियों की, और उसके बाद 5 करोड़ रुपये कम से कम इलेक्शन जीतने के लिए लगाते हैं, यानी एक विधायक 10 करोड़ रुपये लगाकर जो विधायक बनता है, और विधायक बने या ना बने इसकी भी गारंटी नहीं है। जब 10 करोड़ रुपये लगाकर एक आदमी विधायक बन सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं मुख्यतः जो है बहुमत के हिसाब से यानी 70% विधायकों की बात कर रहा हूँ, 10-10 करोड़ रुपये लगाकर जो विधायक बन सकते, क्या लोग, क्या वो लोग 10 लाख रुपये भी नहीं दे सकते? आप अपने 90 विधायकों से 10-10 लाख रुपये मांगिए, 10 लोकसभा के सांसदों से मांगिए, 100 बंदे भी अगर देंगे 10-10 लाख रुपये तो कितने हो जाएंगे? 10 करोड़ तो ये हो जाएंगे। आप जो है क्यों बच्चों से 5-5 रुपये मांग रहे हैं? और मुख्यमंत्री साहब प्रदेश में आपको पता है कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, 1-1 करोड़ रुपये उद्योगपति से मांगिए। अरे मुख्यमंत्री साहब, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सीमा है, अमीरी से ऊपर कोई सीमा नहीं है। अमीर आदमी कितने पैसे कमाए, कोई टैक्स नहीं भरता, कितने बड़े बड़े हवाला कांड होते हैं और कितने बड़े बड़े पैसे फॉरेन के बैंकों में पड़े हैं। आपकी सरकार और मोदी सरकार भी कहती थी कि हम विदेशों से पैसा लाएंगे, हर आदमी खाते में 15 लाख रुपए होंगे, और आज आप बच्चों से 5-5 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ गए वो पैसे? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब, आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं जिनके सेमिनारों में और विनिवेश के नाम पर आप बैठते हैं, चाहे वो कोई की 1000 करोड़ के हीरो ग्रुप है, DLF ग्रुप है, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, कितने मॉल है इस प्रदेश में, कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे आप 1-1 करोड़ रुपये भी लेंगे और अपने MLA MPOं से लेंगे तो आपको जो है चंदे पर बहुत सारी रकम हो जाएगी। आपको किसानों से 1-1 किलो गेहूँ और बच्चों से 5-5 रुपये मांगने की जरूरत नहीं है। आप खुद वित्त मंत्री हैं मुख्यमंत्री साहब, आपके पास जो है इतना भी कौन आपके जो ऐसे एडवाइजर हैं जो आपसे इस तरह की मांग करवा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, ये समय चंदा मांगने का नहीं है, ये प्रदेश को संभालने का है। कितने विधायक और MP में योगदान दे रहे हैं और कहां सरकार योगदान दे रही है? तो समाजसेवी संस्थाएं हैं जो प्रदेश के बहुमूल्य जीवन को बचा रही हैं, जो घर घर जो खाना पहुंचा रही है, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, और मैं काबिले तारीफ मानता हूं हरियाणा पुलिस को, जिसकी आज तक इतनी गंदी और खराब छवि थी, पहली बार हरियाणा पुलिस दमकर काम कर रही है, प्रशासन और पुलिस मिलकर जो है लोगों की सेवा कर रही है, इन लोगों ने मिलकर जो है आज जो है गरीब आदमियों तक गेहूं और आटा पहुंचाया है। आपकी सरकार तो कितना बड़ा योगदान दे रही है मुख्यमंत्री साहब। मुझे पता है अगले 1 महीने बाद आप एक बहुत बड़ा पैकेज देंगे और आपके प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ा पैकेज देंगे, किन के लिए? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। आप कहेंगे कि चक्का जाम हुआ है, बड़े बड़े उद्योगों में काम नहीं चला, आप 1 करोड़ का पैकेज उन्हें देंगे? आम किसान मजदूर गरीब को नहीं देंगे आप। कहां 15-15 लाख रुपए आप खाते में डालने वाले थे, आज 2-2 हजार रुपये खाते में नहीं आ रहे हैं। कितने लोग जो आज गरीबी रेखा के नीचे हैं और किस तरह से बेहाल हैं। लॉकडाउन का समय आपके लिए एक चुनौती है। आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब, मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा कि यह समय आपका मांगने का नहीं, लोगों की मदद करने का है। प्रदेश की परिस्थिति को संभालिए। और मुझे जो है, मैं जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे को साथी थे, कुछ पत्रकार जो पंजाब के साथी हैं, उनमें से कईयों का फोन भी आया कि शर्मा जी आप तो हमारे से बहस करते थे कि हरियाणा जो नंबर वन है, हरियाणा में इतना जो है पैसा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 30 दिन में हमारे मुख्यमंत्री ने 1 दिन पैसा नहीं मांगा है। 2 दिन पहले मैं अमरिंदर सिंह का जो है टीवी पर जो बयान देखा, उन्होंने कहा कि मैं मांगता नहीं हूं जो प्रदेश से पैसे इकट्ठे करूंगा, मैं अपने दम पर और प्रदेश सरकार के दम पर जो है मैं जो है सारा प्रशासन देखूंगा। हालांकि मैं जो है आज अमरिंदर सिंह जी का बयान देकर मुझे भी दुख हुआ, उन्होंने खुद कहा कि शराब जो है चालू करने जाने की योजना शुरू की जाए। हालांकि इससे पहले हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 2 बार की योजना जो है चालू कराने के लिए कह चुके हैं। यानी क्या वित्तीय प्रबंध है आपका कि 1 महीने में ही आप जो कंगाल हो गए, आपकी जो परिस्थिति प्रदेश सरकार परिस्थिति भिखारियों जैसी हो गई है, आप विद्यार्थियों से किसानों से 2-2, 5-5 रुपये मांग रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन 6 महीने चल गया तो क्या आप प्रदेश को पूरी तरह से गिरवी रख देंगे? 1 महीने में ही 6,6200 करोड़ आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। देखते हैं अगर लॉकडाउन 3 महीने चल गया तो क्या हालत होगी, वित्तीय हालत होगी। मेरी तो आपसे ये निवेदन है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साहब कि आप जो है प्रदेश के लोगों का भला कीजिए। और मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब, अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप जो है इसके लिए जो सुचारू रूप से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, और सभी लोगों की सेवा भी ले सकते हैं।
ये नहीं होता कि एक आदमी विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए तो वही अच्छा वित्त मंत्री साबित हो सकता है। ठीक है, सरकार में वित्त मंत्री जो है एमएलए विधायक ही बनता है, लेकिन सेवाएं उसके लिए आप जो है अच्छे लोगों की भी ले सकते हैं, अच्छे लोगों की राय ले सकते हैं। प्रदेश के आपके जो केंद्र सरकार में जो कितने अर्थशास्त्री होते हैं जो वित्त मंत्रालय को जो अपने सेवा देते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब आप वित्त मंत्री बने अच्छी बात है। अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा तो इसके लिए आप जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य और जो हरियाणा सरकार में योग्य अफसर हैं उनके साथ साथ जितने भी प्रदेश के अच्छे अर्थशास्त्री उनकी सेवा ले सकते हैं, उनसे विचार ले सकते हैं, सभी विचारों को लेकर और सभी ढंग से करके इस प्रदेश सरकार को सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद।